मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, घूम फिर रहे होंगे, कुछ काम धंधे पे होंगे, कुछ अभी भी सो रहे होंगे या फिर मेरी तरह एक नई डेस्टिनेशन पे होंगे। हाय, मेरा नाम है क्षितिज सिंह और आप देख रहे हैं मेरी छोटी सी ये कहानी। हाँ जी, तो आज हम हैं उत्तराखंड की एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन पे, का नाम है केदारकंठा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी होगी, आप देख सकते हैं। ये आज 26 दिसंबर की तारीख है और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई, दो राउंड बर्फ़ यहाँ ऑलरेडी पड़ चुकी है पहले। आज खुश नसीबी ही है हमारी कि ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं है, ऊपर हो सकता है कि बर्फ़ मिले, पर यहाँ पे आज अच्छी धूप खिली है। तो जैकेट भी मैंने क्यूचुआ की नॉर्मल ली है और इतने वार्म क्लोथ्स नहीं लिए, पर मेरा बैग देख सकते हैं आप, जो मैं कैरी कर रहा हूँ और इसमें मेरी वार्म जैकेट और कुछ इमरजेंसी के लिए सामान पड़ा है और कुछ हैंड वार्मर्स जो ये डीकैथलॉन की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाएंगे भी पड़े हैं, जो कि हमारी बैटरी रात को ड्रेन होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस जगह हम रुक रहे हैं रात को वहाँ पे बैटरी ड्रेन होने के चांसेस 99% होते हैं और बहुत जल्दी ही जो है बैटरी सारी चूस लेता है जब टेम्परेचर -5 या -10 से ऊपर जाता है। इस खूबसूरत गांव संकरी से निकलते ही हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है और एलिवेशन ठीक ठाक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इस खूबसूरत पगडंडी से चल के अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और 7 किलोमीटर जो है आज हमें कवर करना है, जो कि हमारा बेस कैंप है। और हर गांव नाम की जगह जहाँ पे हमारा लंच होगा, 7 किलोमीटर यानी कि 5 से 6 घंटे हम मान के चलते हैं कि हम कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग ट्रैक है तो बॉडी अभी कल रात की ठंड से नहीं निकली है और धूप का फ़ायदा है कि धूप जो है आ चुकी है और पसीने आने थोड़े शुरू हो चुके हैं। तो आप में से अगर कोई ट्रैक पे आता भी है तो बहुत मोटी जैकेट ट्रैक पे कैरी मत करें, अपने साथ बैग में कैरी करें और वो बैग आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप रात को बेस कैंप में रुकते हैं। बेस कैंप से आज रात रुकने के बाद कल सुबह हम लोग निकलेंगे समिट के लिए, जो पीक पॉइंट केदारकंठा की है उसे समिट कहा जाता है, और वहाँ पहुँच के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खूबसूरत घाटी दिखने में कैसी है। आज हम 4 लोग, जिसमें से चिंटू, सक्षम और अतुल हमारे साथ, हमारे बाबा संजय जो कि हमारे गाइड हैं। ये ट्रैक बहुत शानदार है फिलहाल तक, तो बस गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, जबकि 26 दिसंबर की तारीख है, हर जगह ठंड है, पर जब आप इतना चलते हैं तो सांस भी फूलती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है जो आपकी बॉडी करती है और साथ में आपको पसीने बहुत आते हैं। तो जूते, ट्रैक करते करते याद आया कि जूते जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे भाई लोग जगह जगह से आते हैं और गलती से हल्के स्पोर्ट्स शूज़ या फिर कुछ और डाल लेते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं, आप फुटेज देख के समझ ही गए होंगे।
पर मैं आपको बता दूं कि ठंड भी यहाँ पे कम नहीं है, और उस ठंड के वजह से और ऐसे कच्चे पाथ के वजह से आपको एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़ की बहुत आवश्यकता है, जो कि आपको ये टारगेट अचीव करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। रात की थोड़ी बहुत बची हुई बर्फ जो है आप ट्रैक के स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं। स्रोत का ठंडा पानी जो कि नेचुरल वाटर होता है पहाड़ों पे, और ये नालियों के द्वारा यहाँ आता है जहाँ पे पाइप लगा दिया जाता है पानी पीने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए लोगों के। और ठंड जो है सबसे पहले हमारी जीप पे असर करती है, क्योंकि जब धीरे धीरे आप हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, आपकी ट्रैक करने के वजह से जीप तो सूखती ही है, साथ में स्टिकी हो जाती है, चुपकती है, और उसमें सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स के होने के वजह से सबसे पहले वो फ्रीज होते हैं। मुंह में हमें पता नहीं चलता, पर जब भी हम बात करते हैं तो बात करते हुए हम लड़खड़ाते हैं, जैसे कि अभी एक दो शॉट में मैं हुआ, पर मैंने रीशॉट लिया। और ट्रैक पे भी आप ये फ्रोजन आइस देख सकते हैं, जिसके कारण ये पत्थर की तरह कांच की तरह बन जाती है और आपके पैर फिसल सकते हैं। तो धूप चाहे कितनी भी हो, ये पाला जो है हमेशा यहाँ पे जगह जगह रहता है, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फोन भी रखने की। अरे नहीं यार। फिर मुझे तुम लोगों से बहुत दूर जाना पड़ेगा, कॉपीराइट ना आ जाए। बर्फ में एक नुकसान और कि चलना बहुत भारी हो जाता है, फिसलने का डर बना रहता है। इस टाइम शुक्र है कि हम जगह देख के वॉक तो कर पा रहे हैं। ज्यादा तो मैंने पहना है। अच्छा तो ये अच्छा बैठने का, आजा। टिप्स मार ले एक तो।